एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में गुरुवार को दीवानी न्यायालय परिसर की सुरक्षा और व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान डॉग स्क्वाड ड्रोन कैमरे की टीम शामिल रही। निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी ने न्यायालय परिसर में खड़ी वाहनों, बंदीगृह स्कैन रूम तथा न्यायालय में स्थित बैंक सहित अन्य स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि न्यायालय सुरक्षा एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। गोरखपुर न्यायालय परिसर एक बहुत ही बड़ा परिसर है। इस परिसर में चाक चौबंद सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात है। न्यायालय में आने के लिए चार रास्ते हैं। यहाँ पर कैमरे द्वारा निगरानी की जाती है, किस तरीके से और बेहतर सुरक्षा हो सके तथा अच्छे तरीके से फ्रिस्किंग हो ताकि न्यायालय सुरक्षा चाक चौबंद रहे। सभी अधिकारियों के विभिन्न प्रकार की सुरक्षा के दृष्टिकोण से समीक्षा की जा रही है। जल्द ही एक रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित की जाएगी कि जहां पर कमियां पाई जाएंगी उस कमियों को पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि न्यायालय परिसर में कैदियों से किसी भी प्रकार की किसी से मिलने की परमिशन नहीं है। अगर जिसको भी मिलना है वो परिवार जेल में जाकर मिल सकता है। निरीक्षण के दौरान सीओ कैंट श्यामदेव बिंद, कैंट प्रभारी शशि भूषण राय सहित अधिवक्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, जाते हैं जहाँ भी जाते हैं साउथ लोग कोई सब डीजे वगैरह तो वहीं करते हैं पहले आज ही आए हैं न्यायालय हमें न्यायालय कौन सी जैसा बोले गाड़ी वगैरह देख लेना किसी गाड़ी क्या है पेट्रोल चेक होता है मुझे कितना पेट्रोल हुआ करेंगे वो। अगर सब बाकी लोग कोऑपरेट करेंगे तो बिल्कुल हर एक को स्कैन करनी पड़ेगा। ये सर ये तो पीछे 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 और बढ़िया भाई आपके चलिए भाई।
में किसी को ट्रेनिंग मिली है तो सब दिखाई देता है। आपको पता है उसके अंदर क्या चीज़ें क्या जैसे कुछ लगता है जैसे सक्सेसफुल लग रहा था कि चाकू है तो खोल के मैंने देखा दो चार चीज़ें तो इस तरह से खोल खुलवा के देखा है मैंने जो पढ़ी नहीं पढ़ी बैठने का कारण क्या है क्यों बैठते हैं आप? ये बैठ करने की जगह है, ये बैठ करने का जगह है। आप भी देने वाले लगा नहीं दे हाँ कैमरा लगा नहीं पाकिस्तान में लेकिन खुले हुए उनकी न्यायालय सुरक्षा एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है किसी भी जनपद में हो। गोरखपुर न्यायालय परिसर एक बहुत बड़ा परिसर है एवं उसमें चाक चौबंद सुरक्षा के लिए कई पुलिसकर्मी तैनात है। यहाँ चार या पांच गेटों से एंट्री होती है, विभिन्न जगहों पर फ्रिस्किंग होती है, कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन इसमें किस तरीके से बेहतर सुरक्षा हो, अच्छे से फ्रिस्किंग हो, सभी के कोऑपरेशन से न्यायालय सुरक्षा चाक चौबंद रहे, इसलिए आज मेरे द्वारा सीओ कैंट, सीओ एलआईयू, डॉग स्क्वाड, ड्रोन एवं बार के सहयोग से विभिन्न प्रकार की सुरक्षा के दृष्टिकोण से समीक्षा की जा रही है एवं समीक्षा के बाद एक रिपोर्ट माननीय न्यायालय को प्रेषित की जाएगी एवं विभिन्न बिंदु जहाँ पे कमियाँ पाई जाएंगी उन कमियों को सर विभिन्न एंट्री पॉइंट्स, एक्सेस पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी सुरक्षा की दृष्टि से एक्सेस पॉइंट जो होता है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ एनी सिक्योरिटी। एंड यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से कई गेट जहाँ पे बैगेज स्कैनर लगना है, यहाँ पे कैमरे लगने हैं, इन सभी पॉइंट्स का रिव्यू किया जा रहा है। जो भी खामियाँ हैं उसकी रिपोर्ट जो है न्यायालय को एवं उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी एवं खामियों को समय रहते पूर्ण किया जाएगा। न्यायालय परिसर में किसी प्रकार की किसी से मिलना ये अलाउड नहीं है। यहाँ मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी व्यक्ति को मिलाया जा रहा है। अगर इस तरीके की मामला बात संज्ञान में आई है तो उसको कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। मिलने का समय सिर्फ जेल में होता है और व्यक्ति जिसको भी मिलना है वो अपने परिवार के सदस्य से जेल में ही जाके मिले। थैंक यू।